हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर मैं मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो गाइस आज है हमारे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ बनाना के बारे सो सम हाउ लाइक बनाना इज अ वेरी कॉमन फ्रूट लेकिन मुझे बनाना खाना पर्सनली बहुत पसंद है होपफुली आप लोगों को भी होगा लेकिन क्या है जो हमारी बनाना को डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर उसकी ईल को कम कर रहा है तो आज हम उन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे इन्हें कंट्रोल करना है उनके बारे में जानेंगे लेकिन सेशन शुरू करने से पहले एग्रीकल्चर अंडर ट्वेंटी फोर सेवन को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे एंड यू आर अप टू डेट विद द कंटेंट विद द नोटिफिकेशंस विद द जॉब अलर्ट्स सब कुछ आपके डोर स्टेप पर सबसे पहले आए अब बात करते हैं अंडर ट्वेंटी की ऐप की तो इस ऐप आप में आपको जो है करंट अफेयर्स जॉब अलर्ट्स पावर कैप्सूल काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं साथ ही साथ जब आप इनरोल करेंगे अपने एग्जाम के अपने बैचेस में तो उसकी फ़ीस भी एप्लीकेशन के द्वारा कम होती है एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट क्योंकि एप्लीकेशन पर मिलते हैं आपको कुछ कॉइन्स उन कोइंस को आप यूज़ करके पा सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट ओके गुड बाय गाई सॉरी सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्लास गाइज एंड कह कहोगे अरे मैम ने क्या किया है ना मैम ने आपके बारे में बताया और गुड बाय कर दिया है सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट एक्चुअली अभी एक सेशन ले रही थी तो फ्लो फ्लो हो गया है चलिए तो आज हम बात करेंगे बनाना के इंसेक्ट्स के कौन से कौन से इम्पॉर्टेंट पेस्ट हैं जो कि बनाना में अटैक करते हैं और कैसे हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं दिस इज य फर्स्ट स्लाइड जिसमें हम बात करेंगे बनाना राइजोम विविल के बारे में बनाना राइजोम विविल जो है इसका साइंटिफिक नेम है कॉस्मोपोलाइट सॉर्डिसस कॉस्मोपोलाइट सॉडिडस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ योर बनाना राइजोम विविल ठीक है जो हर जगह पाया जाता है वो कॉस्मोपोलिटिन होता है और बनाना भी कुछ ऐसा ही फ्रूट है जो तो हर जगह पाया जाता है हाँ बेसिकली इसकी प्रोडक्शन साउथ से होती है लेकिन पाया हर जगह जाता है नॉर्थ में भी इसकी कोई खास कमी नहीं है सो दिस इज अ कॉस्मोपॉलिटन है ना तो इसलिए इसमें जो राइजोम विविल है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसमें कॉस्मोपॉलिटन आ जाता है कॉस्मोपॉलिटन सोडीडस जो है इसका साइंटिफिक नेम है जी वेरी 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 गुड आफ्टरनून हेमेंद्र पटेल एंड बाबू राव ठीक है बाबू राव ने तो मेरा मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया है मैडम ने पहले ही गुड बाय बोल दिया है चलिए इट हैपन्स विद मी वेन आई डू कॉल टू माई मोम जब भी मैं उन्हें बात कर रही होती हूँ कई बार मेरा होता कि मैं अक्सर उनसे रात को कॉल करती हूँ तो समाइम्स अगर मैं उन्हें दिन में भी कॉल कर लूँ तो मैं रखते हुए उन्हें गुड नाइट ही बोल देती हूँ ओके गुड नाइट फिर मुझे याद आता है आज दिन है गुड नाइट नहीं बोलना है सो इट्स जस्ट ऑटोमेटिकली फेड समवेयर है ना हो जाता है सो so, uh, इसके जो फैमिली है विविल है तो करकिडी फैमिली से बिलोंग करेगा एंड कलियोप्ट्राइज का ऑर्डर है भाई इतना तो आप लोग आप लोगों को याद हो जाना चाहिए है ना uh, विविल की कौन सी फैमिली है और आपकी पैरिलेडी फैमिली में कौन से कौन से इंसेक्ट हैं नॉकट्रोडी में कौन से कौन से इंसेक्ट हैं ये मेजर फैमिलीज हैं राइट साथ ही साथ कोलियप्ट्राइज का ऑर्डर बीटल्स है विविल्स हैं सभी कोलियप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करेंगे इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया एज अ सीरियस पेस्ट ऑफ बनाना एंड दिस पेस्ट इज आल्सो रिकॉर्डेड ऑन कोकोआ ठीक है तो ये थ्रू आउट इंडिया सीरियस पेस्ट है चाहे वो क्रॉप नॉर्थ में है चाहे वो क्रॉप साउथ में है आ, तो काफ़ी सीरियस पेस्ट है तो इसे कंट्रोल भी करना ज़रूरी है साथ ही साथ ये कोकोवा में भी पाया जाता है कोकोआ वही जिससे आपकी चॉकलेट्स बनती हैं राइट right? तो एक कोकोआ पर भी पाया जाता है बनाना राइजोम विविल द एडल ऑल्सो टनल विद इन दु है स्टेम के अंदर ही टनल्स बनाना शुरू करते हैं टनल्स यानी कि गुफाएं तो एडल्ट बोर करता है घुसता है स्टेम में और अंदर ही अंदर जो है गैलरीज या टनल्स या फिर गुफाएं बनानी शुरू कर देता है द लीव्स टर्नस येल्लो एंड ड्राई क्योंकि अभी स्टेम पर फीड कर रहा है तो so, क्या होगा लीवस पर असर क्योंकि स्टेम पर फीड कर रहा है तो भाई इसका जाइलम फ्लोयम जो है डिस्टर्ब होगा पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो लीफ पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी इट ड्राइज एंड लीव येलो द टिश्यू एट द एज ऑफ द टनल टर्न्स ब्राउन एंड रोड्स जहाँ पर आपके टनल का एज होता है यानी कि जहां से वो शुरू होती है राइट right? जहाँ से बोर करना शुरू करता है या जहा ये एंड करता है एजिस पर ब्राउन कलर के रोट्स आपको दिखने लगते हैं रोड्स यानी कि वहां से पौधा गलना शुरू हो जाता है सड़ना शुरू हो जाता है दैट इज कॉल्ड रॉटिंग ड्यू टू द द डैमेज बनाना प्लांट्स ब्रेक डाउन देयर इज अ अस्ट्रॉग विंड और इसके कारण क्या होगा क्योंकि इसकी स्टेम अंदर से पूरी खाई हुई है बहुत वीक है तो जैसे ही तेज हवाएं चलेंगी ये प्लांट्स गिर भी सकते हैं क्योंकि इनकी स्टेम जो है बहुत कमजोर हो चुकी है वेरी फ्यू सकर्स इमेज फ्रॉम द अफेक्टेड प्लांट और अफेक्टेड प्लांट को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं उसकी लीव तो सूख ही रही हैं टनल्स अंदर ही अंदर बन रही है वो आप देख नहीं पाओगे लेकिन अफेक्टेड प्लांट्स पर सक्कर जो है बहुत कम आते हैं और आप सब लोगों को पता होगा बनाना की प्रोपगीशन किसके द्वारा की जाती है स्वाड चक्कर के द्वारा की जाती है तो ये सकर्स इंपॉर्टेंट है उसकी प्रोपेगेशन के लिए लेकिन आपको सकर्स दिखाई नहीं देंगे अगर प्लांट बहुत ज्यादा इन्फेस्टेड है बनाना राइज़ोम विविल से ठीक है चलिए नेक्स्ट हाउ टू मैनेज दिस इंसेक्ट देख लिया भाई बहुत डैमेज कर रहा है बहुत सीरियस पेस्ट है लेकिन कैसे इस पेस्ट को मैनेज किया जाए कैसे इसकी पॉपुलेशन को कम रखा जाए ताकि हमारी बनाना इससे बच सके राइट तो फर्स्ट इज डिपिंग द सकर्स इन मिथाइल डेमेटोन जीरो पॉइंट वन परसेंट सोल्यूशन बिफोर प्लांटेशन प्लांटेशन से पहले बोने से पहले प्लांट लगाने से पहले आप जो है सकरस को मिथाइल डेमोटेन जीरो पॉइंट वन परसेंट सोल्यूशन में क्या करके रखेंगे भिगो के रखेंगे डुबो के रखेंगे उसके बाद जो है आप इनकी प्लांटेशन करेंगे ठीक है अवॉइडिंग रिटूनिंग एंड चेंजिंग द फील्ड एवरी ईयर रेटून क्रॉप ना करें रेटून क्रॉप का क्या मतलब है आपने क्रॉप ले ली आ, उसका कुछ पोर्शन छोड़ दिया वो पोर्शन अपने आप बड़ा हो जाता है आप सोइंग दोबारा नहीं करते टिलेज दोबारा नहीं करते और वो फिर से आपको फ्रूटिंग दे देते तो दैट इज कॉल रेटून क्रॉप तो रेटून क्रॉपिंग फॉलो ना करें अवॉइड करें और हो सके तो मतलब अपना फील्ड भी चेंज करते रहें जिस फील्ड पर आपने पिछली बार बनाना लगाए थे उस पर इस बार कोई और क्रॉप लगाए और दूसरे फील्ड पर शिफ्ट हो जाए तो इससे जो है अटैक कम होता है साथ ही साथ आप पिट्स में कार्बोरिल का स्प्रे कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं कार्बोरिल की डस्टिंग कीजिए पिट्स के आसपास साथ ही साथ आप प्लांट को सपोर्ट भी देखे रखिए है ना जैसे अक्सर आपने देखा होगा घर में तुलसी का पौधा होता है और वो गिरने लगता है उसकी स्टेम अगर वीक है या वो बहुत लंबा बढ़ जाता है तो मम्मी साइड में एक डंडी लगा के उससे बांध देती हैं उसको ताकि उसको सपोर्ट मिल सके तो इस बनाना प्लांट को भी सपोर्ट मिले क्योंकि इसकी जो स्टेम है वो अंदर से खाई हुई है वीक हो चुकी है तो आप जो है अपने बनाना के प्लांट्स को सपोर्ट भी दे सकते हैं एप्लीकेशन कर सकते हैं आप फोर एट टेन जी का टेन ग्राम पर प्लांट काफ़ी रहेगा और साथ ही साथ स्प्रे भी कर सकते हैं ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं क्लोरो पायरीफोस टू एम पर लीटर के हिसाब से ठीक है तो आप क्लोरो पायरीफोस का है स्प्रे भी कर सकते हैं आप फोरेट का डस्टिंग कर सकते हैं आप कार्बोरेल का डस्टिंग कर सकते हैं आप प्लांट को सपोर्ट दे सकते हैं ताकि हवा आए तो वो गिरे नहीं साथ ही साथ अगर प्लांटेशन से बिफोर मिथाइल डेमेटोन जीरो में हम उसे डिप करके भी रख सकते हैं तो ये सारे हमारे क्या हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं सो दैट हम राइजोम विविल से अपने प्लांट को बचा सके उसी तरीके से आपका नेक्स्ट है बनाना बनाना ये जाना जाता है एरियोनाटा थेक्स के नाम से जो कि हैस्पेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और लैपिडोपट्राइज का ऑर्डर है लेपिड ऑर्डर का मतलब है ये एक मोज है लार्वे रोल्स द लीफ एंड एज इज फ्रॉम द कटिंग ऑफ द लीफ लैमिना द प्लांट विगर रिड्यूस एंड फोटोसिंथेसिस डिक्रीज तो सबसे पहले तो इसके जो लीफ हैं वो रोल होना शुरू हो जाती हैं फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं प्लांट अपनी विगर खो देता है विगर का मतलब है वो बहुत हेल्दी नहीं रहता वो स्पीड से बढ़ता नहीं है उस पर फ्रूटिंग नहीं आ रही है या बहुत कम फ्रूटिंग आ रही है तो इसका मतलब प्लांट जो है अपनी विगर खो रहा है साथ ही साथ उसके फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाने की क्षमता भी जो है कम हो जाती है इट डिक्रीजेज दिंथेसिस ऑफ द प्लांट कटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द रोल लीफ विद इन द वे एंड फोलियर स्प्रे विद एंडोसल्फान एंड आर द इफेक्टिव मेजर्स तो दो सिंपल से इफेक्टिव मेजर्स हैं इस कंट्रोल इस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक है कि जो भी इंफेक्टेड पार्ट है रोलिंग लीव्स हैं उनको हम काट कर फेंक दें डिस्ट्रॉय कर दे और दूसरा है हम कार्बारेल या फिर एंडोसल्फान का स्प्रे कर सके ताकि हम इनको कंट्रोल में लेके आ सके ठीक है उसी तरीके से हम नेक्स्ट इंसेक्ट देखते हैं नेक्स्ट इंसेक्ट है आपका बनाना एफिड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाना एफिड सो पेंटलोनिया निग्रो नर्वोसा जो है इसका नाम है तो बनाना एफिड को लेनी थी पेंट अपने लिए जो कि वो अफ्रीका से लेना चाह रहा था लेकिन अफ्रीका में ही scared वो एंड ही नर्वस हो गया ठीक है तो पेंटोलोनिया निग्रो नर्वोसा जो है इसका साइंटिफिक नेम है बड़ी अच्छी स्टोरी के साथ ये याद हो जाता है राइट एडल्ट एफ इज ब्राउनिश विद ब्लैक वेन्स तो एडल्ट एफर्ट जो है ब्राउनिश कलर का होता है और इस पर ब्लैक कलर की वेन्स बनी हुई होती हैं, जिससे आप पहचान पाएंगे कि ये बनाना एफिड है इट कॉलोनीज़, कॉलोनीज़ ये colonies में रहता है, गुच्छे में रहता है और अक्सर जो है टेंडर लीफ या फिर प्लांट के कलम के बेस की तरफ रहता है क्या क्या इसके डैमेजिंग सिम्टम है ये इंपॉर्टेंट है गाइज इसको याद रखेगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसके नेम फॉर एडल्ट दोनों ही प्लांट का सैप सक करते हैं एफिड्स और व्हाइट फ्लाई दोनों ही प्लांट का सैप ही सक करते हैं दे तो प्लांट का सैप सक करते हैं तो ऑफकोर्स प्लांट अपनी विगर जो है वो खो देगा साथ ही साथ प्लांट ड्वार्फ रह जाएगा छोटा रह जाएगा उसकी हाइट इतनी नहीं बढ़ेगी राइट एंड इन सीवियर इन्फेस्टेशन आपका जो है लीफ कर्लिंग भी देखने को मिलेगा ठीक है फ्रूट बंचेस बिकम्स स्मॉल जो फ्रूट का पूरा बंच होता है केला का वो स्मॉल हो जाता है छोटा हो जाता है और डिस्टोर्टेड फ्रूट्स उसमें होते हैं फ्रूट अच्छी शेप के नहीं होते या बीच में खाली स्पेसेस होते हैं तो बेसिकली फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती है जिन पर एफिड्स का अटैक होता है या तो बंच साइज़ ही छोटा रह जाता है या डिस्टोर्टेड फ्रूट्स देखने को मिलते हैं These efforts act as persistent vectors for bunchy top disease. Bunchy top disease बहुत ही खतरनाक disease है आपके banana की इसमें पूरे leaf जो है सूख जाते हैं और धीरे धीरे पूरा plant ही सूख जाता है bunchy top disease में इस disease का vector है ये aphid. जैसे हमारे malaria, dengue के vectors होते हैं mosquitoes. Aphid फैलाता है bunchy disease of banana को ठीक है तो ये question आ सकता है है ना विच इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सबसे पहले फीजी में देखी गई थी इट वॉज सीन इन फीजी आइलैंड और धीरे धीरे जो है हर जगह फैल गई है तो बेसिकली ये एक इंट्रोड्यूस्ड डिजीज है इंडिया में जो कि बाहर से आई है राइट right? चलिए बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह तो कैसे हम इसको मैनेज करेंगे इस एफड को मैनेज कैसे करना है इस एफ को कंट्रोल कैसे करना है राइट right? सो so, इस एफर्ड को मैनेज करने के लिए एक तो आप मोसा ए ए बी वेराइटी का यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंट टू इसमें ना बंची टॉप होता है ना एफ जाते हैं ठीक है अब आपके जो बनानाज है ये ए ए बी बी क्या है आपके बनानाज अगर कोई भी पूछे एग्जाम में बॉटनी भी आपका जो है कवर होता है एक्चुअली uh, यस yes, कुछ साइंटिफिक नेम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है uh, जो फेमस इंसेक्ट एटलीस्ट उनके तो साइंटिफिक नेम आपको आने चाहिए ठीक है सो बनाना इज योर ट्रिप्लॉइड बनाना आपकी क्या है एक ट्रिप्लॉइड वेराइटी है ट्रिप्लॉइड का मतलब है इसमें क्रोमोजोम नंबर की कॉपीज जो है तीन है जैसे हमारे क्रोमोजोम की दो कॉपी नंबर होता है हमारे फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स हैं तो हम डिप्लॉयड है ठीक है ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी थ्री इसमें क्या होता है इसमें ट्रिप्लॉयड है यानि कि एन प्लस एन प्लस एन तीन बार इसका जो है पूरा पूरा सेट रिपीट होता है तो ये ट्रिपलॉयड वेराइटीज़ है जनरली जो आप बनाना खाते हैं मार्केट में देखते हैं वो ए जिनोम की होती है यानी कि ए एनोम की होती है तो ये आपके जो है एफिड ससेप्टिबल वेराइटीज़ हैं लेकिन अगर दूसरा जिनोम बी जिनोम अगर इसमें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो इन पर एफिड का अटैक कम होता है जैसे कि आपकी ए ए बी वैरायटी है तो ये जो वैरायटी है ए ए बी वाली ये काफी कम है मार्केट में नहीं इतने देखने को मिलती बट इस पर एफिड का अटैक कम होता है ये रेजिस्टेंस होती है तो ये ए क्या है और बी क्या ये जिनोम है बच्चा ठीक है जिनोम यानी कि एक आद, आ, स्पीशी का जो भी मेरा जैसे कि पूरा डीएनए मटेरियल है उसको जिनोम कहते हैं उसको मैंने डेजिग्नेट कर दिया ए से अगर कोई और ह्यूमन स्पीशी मिलती है जिसके अलग कैरेक्टर्स हैं उसका हमने जिनोम डेजिग्नेट कर दिया बी से इस तरीके से हम इनको डेजिग्नेशन देते हैं राइट हाँ वैसे आपको जो है बनाना ट्रिप्लॉयड भी मिल जाएगी टेट्राप्लॉयड भी मिल जाएगी डिप्लॉयड भी मिल जाएगी लेकिन जनरली जो आप बनाना खाते हैं वो ट्रिप्लॉइड होती है और ट्रिपल ए होती है ठीक है इसीलिए बनाना में सीड नहीं होते तो सीड ना होने का कारण क्या है क्योंकि इसकी प्लॉयडी लेवल पेंटाप्लॉइड है ट्रिप्लॉइड है, है, है उनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है ओके चलिए यस नेमरा चुंडा इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर बट नेमरा चुंडा से भी बच्चे प्रिया आपको पूरा नहीं पढ़ना है एफ के लिए एफ के लिए आपको एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड एंटमोलॉजी ही पढ़ना है ठीक है तो पूरा नेमराज झुंडा नहीं पढ़ना है पूरा नेमराज झुंडा भी आपका नहीं आएगा अपने सिलेबस को देख के सिर्फ उसी पोर्शन को पढ़ें वही अच्छा रहेगा बाकी इट्स अ गुड बुक फॉर एफ तो एटलीस्ट अच्छी है पहले एग्रीकल्चर वालों के लिए भी अच्छी थी लेकिन अब एग्रीकल्चर वालों के लिए वो बेसिक बुक हो गई है उनका थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है ओवर द ईयर्स बट आप लिए, आप लोगों के लिए जो है बिल्कुल सुटेबल uh, रहेगी चलिए तो अगर आप लोगों को डेटिंग साइट चाहिए तो इधर चले जाइएगा मुझे समझ नहीं आता लोग परेशान करने क्यों आते हैं और उन्हें क्या मिलता है चलिए सो यू गाइज पे अटेंशन हेयर आप लोगों को पढ़ना है इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है Osionfish. आप स्प्रे कर सकते हैं मिथाइल डेमेटोन का जो कि 2 एम पर लीटर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं डायमिथोवेट का यूज़ कर सकते हैं मोनोक्रोटोफोस तो का यूज़ कर सकते हैं सकिंग पेस्ट के अगेंस्ट हमेशा यही केमिकल मिलेंगे आपको मोनोक्रोटोफोस मिलेगा डाई मिलेगा यही है जो व्हाइट फ्लाई के खिलाफ यूज होते हैं यही है जो एफिड के खिलाफ यूज होते हैं सकिंग पेस्ट में जनरली यही केमिकल्स यूज़ होते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट जी रवि आप लोगों को एग्रीकल्चर स्टार्टेक्स पढ़ना है कौन सा इंस्टीट्यूट कहां है टोटल कितने के वी है, वो जनरल एग्रीकल्चर में आ जाएगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन पढ़ना है ठीक है और एंटोमोलॉजी पढ़ना है और थोड़ा सा अपना सिलेबस देख लीजिएगा बाकी ठीक है मुझे यही याद है चलिए हाँ वो तो मुझे पता है बच्चे बट वही है ना कि ऐसे क्लासेस में ऐसे मैसेज एक तो हमारी सुबह क्लास होती थी ग्यारह बजे उसमें तो बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आते थे भाई चलो अब अपना नेक्स्ट है बनाना स्यूडो स्टेम वी ठीक है आप लोगों को पता ही है ना कि बनाना की जो स्टेम होती है वो रियल स्टेम नहीं होती है रवि यस बॉटनी जुलॉजी और एग्रीकल्चर जो है आपका पेपर टू में आएगा बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एफ मैनेजर में आएगा एफ सी थ्री में बायोटेक्नोलॉजी नहीं आएगा ठीक है एंटोमोलॉजी ए थ्री में एग्रीकल्चर का पार्ट है और एफ uh, मैनेजर में अलग से मेंशन है लेकिन बात सेम है एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी रहेगी राइट जेनेटिक्स आपका जो है बॉटनी के अंदर जो थोड़ा बहुत जेनेटिक्स आप पढ़ते हैं उतना आ सकता है प्रॉपर जेनेटिक्स नहीं आएगा ना एक्सटेंशन भी नहीं आएगा बच्चा एक्सटेंशन हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर में ये सब आपको नहीं पढ़ना है फॉर एफ सी आई सिलेबस में गिवन नहीं है काइंडली एक बार सिलेबस देखिएगा ये सिलेबस में नहीं है ठीक है क्रॉप प्रोटेक्शन सिलेबस में है क्रॉप प्रोटेक्शन में आपको निमेटोड और प्लांट डिजीजेस पढ़नी सक पढ़नी पड़ सकती हैं उसके अलावा क्योंकि पिछली बार प्लांट डिजीज से क्वेश्चन भी आए थे लेकिन आपको हॉर्टिकल्चर है एग्रोनॉमी है एक्सटेंशन है ये सब नहीं पढ़ना है पूरी एग्रीकल्चर नहीं पढ़नी है एक बार सिलेबस देखेगा राइट प्रीति इट इज स्टिल नॉट अवेलेबल बच्चे मुझे नहीं पता क्या इश्यू है बट आई नॉट सी इट ऑन द साइट इट इज स्टिल नॉट अवेलेबल ओके बनाना स्यूडो स्टेम विविल तो इसका नाम है ऑडियोपोरस लॉन्गी कॉलेज क्या नाम है ऑडियोपोरस लॉन्गी कॉलेज उसका नाम है uh, करकेलियोनिडी फैमिली से बिलोंग करता है एनकोलियोप्ट्रा का ऑर्डर है यस मैं आपको बता रही थी कि आप सभी को पता है कि जो बनाना की जो स्टेम होती है उसको स्यूडो स्टेम कहते हैं स्यूडो यानी कि झूठा ठीक है विच इज नॉट ट्रू तो स्यूडो स्टेम क्यों कहते हैं क्योंकि ये लीव से ही बनता है लीव को टाइटली रोल में पैक करके उसका स्टेम बनता है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो लीव ऊपर जाके खुलती रहती है इसीलिए इसको सूडो स्टेम कहते हैं और ये हमेशा ग्रीन कलर की होती है कभी वुडी नहीं होती है इसीलिए बनाना को हर्ब प्लांट में डाला जाता है ट्रीज में नहीं डाला जाता है इट इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ बनाना इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये कहाँ का सीरियस पेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये जो है ज्यादा सीरियस पेस्ट है बनाना सूडो स्टेम विविल

ताकि वो और जगह ना फैलाए नहीं, नहीं बच्चे मैंने फेज वन में ये कहा कि फेज वन में कंप्यूटर जीएस का पार्ट हो सकता है ये नहीं कहा कि आएंगे मैंने कहा कि अगर कंप्यूटर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जीएस का पार्ट हो सकता है ठीक है क्योंकि जनरल साइंस में कुछ भी पूछा जा सकता है जनरल साइंस का आपका सिलेबस एक बार देख लीजिएगा राइट नहीं नहीं जीएस दोनों में है जीएस दोनों में है भाई फेज वन में कम क्वेश्चन है जीएस के फेज टू में ज्यादा क्वेश्चन है बस इतना फर्क है फेज वन में आपके सिर्फ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन और फेज टू में ज्यादा क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएस फेज टू में भी आएगा जी विवेक वेरी वेरी गुड इवनिंग जीएस दोनों में है बच्चा फेज वन फेज टू दोनों में है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन फेज टू में जीएस के ज्यादा है फेज वन में कम है एग्जाम पैटर्न में कोई भी कन्फ्यूजन है हम लोगों ने आप लोगों के लिए एग्जाम पैटर्न का पूरा जो है एक सेशन रखा था उसको सर्च करिएगा और देखिएगा जिसमें भी आपने मेंशन किया एफसीआई मैनेजर में या एफसीआई सी थ्री टेक्निकल में जहां भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी पोस्ट का नाम लिख करके सर्च कीजिएगा आपको एग्ज़ाम पैटर्न अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के चैनल पर मिल जाएगा जिसमें हमने आपको अच्छे से बताया कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से पोर्शन से आ रहे हैं जीएस का पोर्शन दोनों में आ रहा है बस फेज टू में उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं हाँ जीएस आसान ही होगा डोंट वरी तो आप फील्ड को साफ सुथरा रखें जो भी इंफेस्टेड प्लांट्स हैं उनको अपरूट करें और जो है बर्न करें फोलियर स्प्रे करें विद क्लोरोपायरीफोस ठीक है फोलियर स्प्रे कर सकते हैं आप इस केमिकल से क्लोरोपायफूज से और आप डाईक्लोरोवोस का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द फोलियर स्प्रे या फिर सीधा इसके होल में भी डाल सकते हैं कि वही किस्सा ख़त्म हो जाए ठीक है तो आप डायरेक्टली केमिकल्स का ही इनमें यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कोई मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है भाई कल्चरल भी है बायो कंट्रोल भी है क्या क्या याद रखूँ बहुत सिंपल से इसके इंसेक्ट है तो ये आपके सारे इंसेक्ट बनाना में जो है अटैक करते हैं सो दैट्स ऑल फॉर दिस बनाना वाला सेशन आपके तीन चार ही इंसेकट हैं जो बनाना में अफेक्ट करते हैं एंड दीज आर योर न्यू बैच गाइज आपका जो है एफ सी आई क्रैश कोर्स आ रहा है जो कि पच्चीस नवम्बर से शुरू हो रहा है बाकी ये आपका जो है एफ सी आई कैटेगरी टू का पोर्शन है और ये आपका जो है कॉम्बिनेशन पोर्शन है अगर आपने दोनों में दिया है मैंने एफ सी आई थ्री भी भरा एफ सी मैनेजर भी भरा है तो आप कॉम्बिनेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं अदरवाइज अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट आप इनमें जो है एनरोल कर सकते हैं फीस यहाँ पर रिटर्न है लेकिन इस फीस को पाने के लिए आपको इस कूपन कोड कर का इस्तेमाल करना पड़ेगा विच इज वाई फोर फोर एट ए टू गेट एटी परसेंट ऑफ ऑन योर बैचेस आपके सभी बैचेज पर एटी परसेंट ऑफ है आज की तारीख में क्योंकि आज है बाल दिवस चिल्ड्रंस डे अगर आपके द्वारा एनरोल करेंगे तो ये जो फीस है थोड़ी और कम हो जाएगी राइट right? तो क्लास पसंद आई हो लाइक करें शेयर करें और कैसे इन मैचेस में एनरोल करना है मैं एक बार आपको बता देती हूँ सो जस्ट ओपन योर गूगल टाइप कीजिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन और एंटर कीजिए ठीक है इस तरीके से आपकी साइट दिखेगी यहाँ ऑल कोर्सेज में जाइए इसमें चूज कीजिए एफ और जिस पोस्ट के अंदर आपने फॉर्म भरा है उसको चूज कीजिए ये आ गए आपके एफ से रिलेटेड सारे बैचेस ठीक है तो एग्रीकल्चर महापैक पर है डबल वैलिडिटी प्लस 80 परसेंट ऑफ दिल्ड्रंस डे बाकी बैचेस पर डबल वैलिडिटी नहीं एट्टी परसेंट ऑफ सब पर है राइट तो ये आपका बैच है जो क्रैश कोर्स पच्चीस नवम्बर से शुरू हो रहा है इसको प्रेस कीजिए एंड यहाँ डिस्क्रिप्शन में सब कुछ गिवन है कितना पढ़ा रहे हैं कौन पढ़ा रहे हैं क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं सब कुछ इसमें गिवेन होता है राइट इसको जो है बाय नाव पर क्लिक कीजिए यहाँ पर अपना कोड यूज कीजिए वाई फोर फोर एट जैसे ही हमने यहाँ वाई फोर फोर एट ए लिखा और अप्लाई किया आपकी फीस ग्यारह हजार नौ सौ निन्यानवे से रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइनटी नाइन हो जाएगी यस बच्चा सिल्वर शूट और अनियन लीफ जो है आपके गोल मिर्च की वजह से होते हैं और वाइट ईयर आपके येलो स्टेम बोरर की वजह से होते हैं राइस में ठीक है सिम्टम सिम्टम जब वो खाता है या आपके प्लांट पर फीड करता है तो किस तरीके के कि चेंजेस उस प्लांट में आते हैं जैसे कि भाई आपको डेंगू हुआ है तो आपको सर्दी लगती है है ना आ, बुखार टूटता नहीं है सिल्वर शूट का मतलब है आपकी जो ग्रीन कलर शूट का मतलब है ऊपर लीफ वाला स्ट्रक्चर अगर वो ग्रीन कलर की जगह शाइनी सा सिल्वर सा हो जाता है जैसे बर्फी के ऊपर वो चांदनी की कोटिंग होती है ना

नहीं बच्चे आपके जो भी बैचेस होते हैं बैचेस में टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं होती प्रीति लेकिन एग्रीकल्चर महापैक में करेंगे तो उसमें ई बुक्स और लाइव बैचेस सारे जो है एक ही जगह पर मिलते हैं लेकिन अगर आप बैचेस में एनरोल करते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेनी पड़ती है ओके चलिए थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा और uh, चिल्ड्रेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हो। गुड बाय एंड टेक केयर